ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Correct. Means it is that period when the producer is not able to make change, make improvement in the level of technology. He cannot change the size of plant, machinery, etc. जब उत्पादक के पास इतना समय नहीं मिलता है कि वो अपने उत्पादन के समस्त जो भी तकनीक है उनको बढ़ा सके, तकनीक का स्तर बढ़ा सके या अपने प्लांट और मशीनरी का साइज बढ़ा सके, वो होता है शॉर्ट रन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है तो बताए। What is meant by full employment? Okay, how can we increase employment in the economy in short run, अल्पकाल में हमें रोजगार बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, जिसको भी आता है पता हो वो बताए। जिसको भी पता हो वो बताए कि अल्पकाल में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या होता है। हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में हम अधिक वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उत्पादन कर सकते हैं ज्यादा वस्तुओं का। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस, इफ वी वांट टू रेज आउटपुट लेवल, हाउ कैन वी डू दिस, हम ये कैसे कर सकते हैं, अगर हमको उत्पादन का स्तर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में तो तकनीकी स्थिर रहता है तो क्या करेंगे, कैसे बढ़ेगा अभिषेक, उत्पादन कैसे बढ़ेगा अभिषेक बताओ, अल्पकाल में उत्पादन कैसे बढ़ेगा, तकनीक तो स्तर है स्थिर है तकनीकी स्तर। अभिषेक अहिरवाल, नीरज, नीरज बोलो कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, हाउ कैन वी रेज प्रोडक्शन लेवल इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में हम उत्पादन का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। अरे क्या पढ़े हो, सबसे पहले शुरुआत में है, इफ यू वांट टू मेक, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर, इफ यू वांट टू रेज द प्रोडक्शन लेवल देन वी हैव टू एम्प्लॉय मोर पीपल, मोर रिसोर्सेस, हमारे पास जो भी संसाधन है उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनका यूज बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना पड़ेगा अगर अल्पकाल में हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। यही था कि नहीं था, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। What is meant by natural rate of unemployment? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का मतलब क्या है, कोई कुछ देख ही नहीं रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, आज हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे, अब जिसको आंसर आता है वो बताए।
नहीं आता है तो सारे वीडियो पहले से पड़े हुए हैं, उसी में जाके देख रहे। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी कंसीडर व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। जब हम बेरोजगार लोगों की संख्या देख रहे होते हैं तो हम किस तरह की बेरोजगारी को अपने ध्यान में रखते हैं या अपने जो हमारा विचार है बेरोजगारी उसमें शामिल करते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी को रखते हैं या अनैच्छिक बेरोजगारी को रखते हैं, नहीं पता है। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है, which two types of unemployment are there under natural unemployment। natural unemployment में कौन कौन सी तरह की बेरोजगारी आती है, बताओ कोई। प्राकृतिक बेरोजगारी में कौन कौन सी तरह की बेरोजगारी आती है, आज हम बिल्कुल कुछ भी नहीं बताएंगे, बस पूछते रहेंगे। अब जिसको आंसर ढूंढना है वो जाके फिर देखेगा, बुक में देखेगा जाके, या फिर देखेगा उसमें वीडियो में देखेगा जाके, किसी का भी आंसर आज हम नहीं बताएंगे। आप कोई बता ही नहीं रहा है सर, क्वेश्चन क्या है। विच टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम अंडर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, प्राकृतिक बेरोजगारी के अंतर्गत कौन सी दो तरह की बेरोजगारियां आती हैं। What are the conditions of short run equilibrium output, alkaline संतुलित उत्पाद की क्या शर्तें हैं। What are the assumptions of short run equilibrium output, alkaline उत्पाद संतुलन, अल्पकालीन उत्पादन संतुलन की क्या शर्तें हैं, क्या मान्यताएं हैं। नहीं पता है। व्हाट आर द टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम आउटपुट, दो तरह के दृष्टिकोण कौन से हैं जिनसे हम संतुलित उत्पादन के स्तर को निश्चित करते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। संतुलित उत्पादन के स्तर के निर्धारण के दो दृष्टिकोण कौन से हैं, व्हाट आर द टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई आदि जया
नाइट ऑफ कर दिया भाई। अध्याय बोलो सर, क्या बोलो? एग्रीगेट सप्लाई। गुड मॉर्निंग सर। डिमांड। हाँ गुड मॉर्निंग। शैलजा बंद करो अपना माइक। सर ये पढ़ा नहीं है चैप्टर अभी। हमने कल बोला था ना इसको पढ़ के आना। ठीक है बोलो शैलजा। बोलो शैलजा। यानी एग्रीगेट सप्लाई। हाँ। और सर एग्रीगेट डिमांड इसको तो। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एस इक्वल टू एडी अप्रोच। दूसरा कौन सा है? यस सर। तो पहला हुआ कौन सा? तो वाई इज इक्वल टू एडी। वाई नहीं आई। आई इक्वल टू एस। वाई नहीं है। हाँ वाई इक्वल टू एस। यस सर। एस इक्वल टू आई। So, what will happen if AS is more than AD? AS अगर AD से ज्यादा है तो क्या होगा? How will the economy re-establish its equilibrium if aggregate supply is more than aggregate demand? अगर अर्थव्यवस्था में AS AD से ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था में किस तरह से पुनः संतुलन स्थापित होगा? बोलो। सर अगर एग्रीड सप्लाई एग्रीड डिमांड से ज्यादा है तो कुछ सामान ऐसा रह जाएगा जो बिक नहीं पाएगा अनसोल्ड। अनसोल्ड फिर आगे क्या होगा? इतना तो सही है। इफ यू आर प्रोड्यूसर हाउ विल यू make further decision if your some products are unsold, some products yes. remain unsold. अगर आप खुद उत्पादक हैं आपके कुछ वस्तु में गैर बिकी रह जाती हैं तो कैसे आगे के डिसीजन लेंगे? बताओ अभी क्या करेंगे? सर AS को कम कर रिड्यूस कर देंगे। AS कम कर देंगे means तो सर वो एक AD के इक्वल आ जाएगा। लोअर AD हम अपना जो अगला है अगली बार लोअर AD प्लान करेंगे। ठीक है लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट AD नहीं AS लोअर AS प्लान करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है AD तो कंज्यूमर करेंगे। ठीक एंड व्हाट विल हैपन इफ AD इज मोर देन AS अगर एग्रीगेट डिमांड AS से ज्यादा है तब क्या करेंगे? समग्र मांग अगर समग्र आपूर्ति से ज्यादा हो रही है तो क्या करेंगे फिर? केवल लड़कियां ही बता रही हैं, कोई लड़का नहीं बता रहे हैं, बॉयज में कोई नहीं है, क्या बोलने वाला? कोई नहीं है। अभिषेक बोलो, निरपाल बताओ, अगर एडी ज्यादा हो एस से तब क्या होगा? सर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। सर हाँ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे लेकिन क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर एस कम है एडी से तो डिमांड। डिमांड ज्यादा हो रही है सप्लाई कम हो रही है means we are producer are not able to maximize their profit. If they could supply more, if they could supply more goods then they can get more profit. अगर producer जो है ज्यादा goods की supply कर दें तो फिर उत्पादन मतलब producer जो है उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ अपना बढ़ाने के लिए producer क्या करेंगे? supply बढ़ाएंगे, प्लान बढ़ा देंगे अपना प्रोडक्शन का। ठीक है एंड आई इक्वल टू एस अप्रोच, ये वाला जो अप्रोच है थोड़ा टफ है, कौन बता सकता है? व्हाट विल हैपन इफ आई इज लेस देन एस, मींस एस इज मोर देन आई, एस अगर मोर है, सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, हाउ विल द इकोनॉमी
रीस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम, अगर बचत निवेश से ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार पुनः संतुलन स्थापित होगा? सागर वाले में से कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पा रहा है, उनको नहीं आता है क्या? हम देखते कौन ज्यादा बता लेता है, सागर वाले स्टूडेंट ज्यादा बताते हैं कि हटा वाले बताते हैं, बताओ। इफ एस इज मोर देन आई, हाउ विल इक्विलिब्रियम बी री एस्टेब्लिश्ड रिस्टोर्ड, कैसे संतुलन पुनः स्थापित होगा अगर बचत ज्यादा है निवेश से, निवेश ज्यादा है बचत कम है? सर आउटपुट कम करेंगे, निवेश ज्यादा है वो बचत ज्यादा है निवेश कम है, निवेश बचत ज्यादा का मतलब है कंसम्पशन जो है वो कम हो रहा है। हाँ ठीक है, आउटपुट कम करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। इफ एस इज इक्वल टू, सॉरी एस इज मोर देन आई मीन्स द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम, देयर आर टू पार्ट ऑफ इनकम, वन दैट पीपुल कंज्यूम एंड सेकेंड दैट पीपुल सेव। आय के दो पार्ट होते हैं, एक जो लोग उपभोग में खर्च कर देते हैं, दूसरा जो बचा लेते हैं। इफ सेविंग आर मोर देन आई इट मींस कंसम्पशन इज लेस, इफ सेविंग इज मोर देन कंसम्पशन इज लेस, कंसम्पशन द लेवल ऑफ कंसम्पशन इज नॉट सो लार्ज दैट कैन क्लियर ऑल द सप्लाई इन द मार्केट, मार्केट में जितना भी आपूर्ति हो रही है उसको खत्म करने के लिए उपभोग इतना ज्यादा नहीं है। अगर एस जो है वो ज्यादा है, आय के दो हिस्से हुए, एक बचत हुआ दूसरा हुआ उपभोग, ठीक है। अगर बचत निवेश से ज्यादा है तो इसका मतलब आय का जो दूसरा हिस्सा यानी कि उपभोग वो कम है, एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, सेविंग ज्यादा है तो कंसम्पशन कम है, किससे कम है? जितना मार्केट में सप्लाई हो रही है उसको खरीद पाने की क्षमता उसमें नहीं है, उससे कम ही खरीद पा रहे हैं। तो अब खरीद नहीं पा रहे हैं मीन्स सम गुड्स ऑफ प्रोड्यूसर विल रिमेन अनसोल्ड, दैट वाई द प्रोड्यूसर विल रिड्यूस दियर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब उत्पादक क्या करेंगे जब उनका सब पूरा माल बिक नहीं पा रहा है, कुछ गैर बिका माल रह जा रहा है, तो वो अपने उत्पादन का स्तर कम कर देंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब कोई दूसरा बताए, अभिषेक नहीं बोलेंगे इस बार, अभिषेक जया और शैलजा को छोड़ के कोई बताएगा। व्हाट विल हैपन इफ एस इज लेस देन आई, अगर बचत निवेश से कम है तब क्या होगा? एस आई से कम है तब क्या होगा? अभिषेक जया और शैलजा को छोड़ के बताएं। खुशी बताओ, खुशी सर सेविंग माइनस में होगी, सेविंग कम है माइनस में नहीं है, कम है, कम है किससे कम है? निवेश से कम है, माइनस की भी बात नहीं चल रही है। क्या करेंगे बताओ, सेविंग कम है तो सेविंग को हम हमें बढ़ाना पड़ेगा, निवेश का तो तब करेंगे कम जब सेविंग ज्यादा थी, वो तो पिछले वाले का था, जब सेविंग ज्यादा थी आई से तब कम करते थे।
अभी जो बताया है उससे काफी कुछ मिलता है, बस उसका अपोजिट कर देना है, बिकॉज द सिचुएशन इज जस्ट अपोजिट। अब ये स्थिति बिल्कुल अपोजिट है, व्हेन एस वाज मोर देन आई, व्हाट एवर द एक्शंस बीइंग टेकन बाय द प्रोड्यूसर, जस्ट अपोजिट विल बी डन व्हेन एस इज लेस देन आई। जब एस आई से ज्यादा होता था तब उत्पादकों ने जो भी एक्शन लिए थे बिल्कुल उसका उल्टा ही चल रहा है। अब कितना हिंट दे दिया, अब तो कोई बता सके तो बताए। सर इसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, तो जो एक्सपेंडिचर है इसमें ज्यादा होगा, जिसके कारण जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और फिर इसके बाद जब वो जो प्रोड्यूसर से जब वो आउटपुट ज्यादा करेंगे तो उससे आउटपुट ज्यादा करेंगे इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, फिर सेविंग इक्वल आई हो जाएगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। जब सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, मींस जो दूसरा हिस्सा है आय का कंसम्पशन डिमांड वो ज्यादा हो रही है, इससे ज्यादा हो रही है प्रोड्यूसर जितना सप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की प्लांट सप्लाई से ज्यादा है, तो अब प्रोडक्शन के प्लांट सप्लाई से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर सोचेंगे कि इनकम बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो भी सप्लाई बढ़ा दें, क्योंकि डिमांड तो कंसम्पशन डिमांड पहले से ज्यादा ही है। ठीक, सप्लाई बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, जब सेविंग बढ़ते बढ़ते इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, निवेश के बराबर हो जाएगी, वहीं पर संतुलन बन जाएगा। इफ वन पार्ट मींस एस इज लेस देन आई, इट मींस द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम मींस कंसम्पशन एक्सपेंडिचर इज मोर देन प्लांट एग्रीगेट सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर, सो द प्रोड्यूसर विल थिंक दे कैन गेट मोर प्रॉफिट बाय सप्लाइंग मोर ऑफ गुड्स बाय सेलिंग मोर ऑफ गुड्स एज द डिमांड फॉर दीज गुड्स इज ऑलरेडी मोर देन देयर एग्रीगेट सप्लाई, सो प्रोड्यूसर विल प्लांट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, देयर इनकम विल इंक्रीज, व्हेन इनकम इंक्रीज then saving will also increase, so the producer will go on increasing their output level until the saving increases and becomes equal to investment। अब s function तो हो चुका था पिछले चैप्टर में, i function, i को क्या s equal to i जो है ग्राफ में दिखाना, ठीक है, व्हाट विल बी द पॉइंट एट व्हाट पॉइंट एस विल बी इक्वल टू आई इन द ग्राफ, एस आई के बराबर कब होगा ग्राफ में, जब ग्राफ बनाते ना कौन से पॉइंट पे होता है, ओके, व्हेन एस इज equal to I at that point what relation will be between AS and AD, जब S और I दोनों बराबर है ग्राफ में, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है, when S कर intersects I कर, at that point what will be the relation between S consumption कर ना एग्रीगेट डिमांड कर एंड इनकम कर, जब एस और आई जो है वक्र दोनों एक दूसरे को टच करेंगे स्पर्श करेंगे तो उस स्थिति में समग्र मांग वक्र और आय वक्र इन दोनों में क्या संबंध रहेगा, समग्र आय समग्र मांग ये दोनों कहां पर होंगे कैसे होंगे, जब एस और आई ये दोनों आपस में टच करेंगे,
अगर इक्वल होंगे। हाँ इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ग्राफ में क्या होगा, दोनों के कर्व में क्या होगा, एक दूसरे को टच करेंगे एट द पॉइंट एस टचेस आई एट द पॉइंट व्हेन एस इज इक्वल टू आई एट दैट पॉइंट एस एडी बोथ आर विल बी इक्वल मीन्स इनकम कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व बोथ विल इंटरसेक्ट ईच अदर मीन्स दे विल टच ईच अदर, दोनों कर्व दोनों वक्त एक दूसरे को टच करेंगे स्पर्श करेंगी जब एस और आई दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। एंड और कुछ पूछे कोई आगे, व्हाट इज मल्टीप्लायर, व्हाट इज मीन बाय इंजेक्शंस एंड withdrawal from the circular flow of income, आय के चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन मतलब उसमें कुछ इंजेक्ट करना और withdrawal मतलब उससे कुछ हटाना, इससे क्या मतलब है, क्या चीज हटाते हैं, घटाते हैं आय के चक्रीय प्रवाह में। इंजेक्शन मीन्स To increase the flow of income in the circular flow of income. Injection का मतलब कुछ inject कर देना, मतलब जो आय में चक्रीय प्रवाह चल रहा है उसमें कुछ आय को बढ़ा देना। ये कैसे होगा, When we will make some new investment, कुछ हम extra investment जब हम करेंगे तब ऐसा होगा कि आय के चक्रीय प्रवाह में कुछ आय वृद्धि हो जाएगी। इंजेक्शन जैसे जो डॉक्टर करता नहीं, बाहर से कुछ फ्लूइड शरीर के अंदर डाल लेता है तो हमारे अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, सर्कुलर फ्लो मतलब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, वैसे ही इकोनॉमी में इनकम का फ्लो बढ़ जाता है। अगर बाहर से मतलब एक्स्ट्रा कुछ जितना भी इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। ए प्रोड्यूसर make some new investment then the income will be increased and in this way the circular flow, in the circular flow there will be greater flow of income and when we make saving means removal of income from the circular flow of income, saving का मतलब है कि जो सर्कुलर फ्लो है आय का चक्रीय प्रवाह है उससे कुछ आय को बाहर कर दिया, सेविंग में हमने अपने पास बचा के रख लिया, वो दोबारा अगर उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो आय के चक्रीय प्रवाह से बाहर हो गई। व्हेन वी रिड्यूस सम इनकम मींस व्हेन वी सेव सम पार्ट ऑफ इनकम देन देयर विल बी सम रिडक्शन ऑफ इनकम इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह में कुछ प्रवाह की कमी हो जाएगी, कुछ आय की कमी हो जाएगी अगर हम कुछ बचत कर लेते हैं, बचत का मतलब को हमने हटा दिया, ठीक है। तो हमको अब ये बताओ इफ वी इन्वेस्ट सम न्यू कैपिटल हाउ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेक इफेक्ट ऑन द इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी, अगर हम अर्थव्यवस्था में कुछ नई पूंजी का निवेश करते हैं तो अब हमें ये बताओ कि ये निवेश से अर्थव्यवस्था की आय की चक्रीय प्रवाह या आय के स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा, आय के स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी इन्वेस्ट रुपीज 10,000 crore देन वाट विल बी द चेंज, What changes may occur in the level of income in the economy? 10,000 crore rupees अगर हम उदाहरण के लिए मान लो इतना हम निवेश बढ़ाते हैं अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था के आय में आय के स्तर में क्या फर्क पड़ सकता है।
कोई बताए? ओके, आई एम गिविंग ऑप्शन नंबर वन, द इनकम लेवल विल बी इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, आय जो है आयकर स्तर उसी अमाउंट के बराबर बढ़ जाएगा। नंबर टू, द इनकम विल बी इंक्रीज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, आय में निवेश के बराबर की वृद्धि हो जाएगी। नंबर थ्री, द इनकम इंक्रीज इन इनकम विल बी लेस देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से कम होगी। बताओ आय में वृद्धि ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी निवेश के? तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही? निवेश बढ़ाया है तो आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि के बराबर होगी, निवेश में वृद्धि से कम होगी, निवेश में वृद्धि से ज्यादा होगी, क्या होगा? इंक्रीज टू द लेवल इन द वेल द इनकम इंक्रीज इक्वल टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इनकम इंक्रीज इन इनकम विल बी लेस देन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन इनकम विल बी मोर देन इन्वेस्टमेंट, आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि के बराबर होगी, आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से कम होगी या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से ज्यादा होगी? बताओ कोई। कोई बोले ज्यादा होगी या कम होगी? 10,000 करोड़ होगी। यशवंत बताओ 10,000 करोड़ होगी कि 10,000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है? नीरज बताओ 10,000 करोड़ होगी या 10,000 करोड़ से ज्यादा होगी या कम हो सकती है 10,000 करोड़ का निवेश बढ़ाया हमने? मल्टीप्लायर नहीं पड़ा है, इंक्रीज इन इनकम विल बी इन द मल्टीपल ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, जितना निवेश किया है उससे कई गुना आय में वृद्धि होगी। बिकॉज दिस न्यू इन्वेस्टमेंट विल जनरेट न्यू इनकम एंड दैट न्यू इनकम विल बी अगेन सम पार्ट ऑफ दिस न्यू इनकम विल बी कंज्यूम्ड एंड सम पार्ट विल बी सेव्ड। सो व्हेन सम पार्ट विल बी कंज्यूम मींस द बायर्स विल इंक्रीज देयर डिमांड, सो द प्रोड्यूसर विल हैव टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, मींस दे हैव टू इंक्रीज देयर सप्लाई। व्हेन दे इंक्रीज सप्लाई अगेन द इनकम विल इंक्रीज एंड अगेन सम पार्ट ऑफ this income consumed, so to again fulfill this increased consumption expenditure again the producer have to produce more, means make more aggregate supply. जब आय में एक बार वृद्धि हुई निवेश किया तुरंत आय में वृद्धि हुई, अब वृद्धि हुई उसके बाद आय में वृद्धि होने से उपभोग व्यय में भी वृद्धि होगी। अब उपभोग व्यय में वृद्धि हुई तो जो उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है उसको पूरा करने के लिए उत्पादक वर्ग अपना उत्पादन बढ़ाएगा, समग्र आपूर्ति बढ़ाएगा। अब आपूर्ति जब बढ़ेगी तो फिर कुछ इनकम जनरेट होगी, अब फिर आय में वृद्धि हुई इनकम में वृद्धि हुई तो इसका कुछ हिस्सा फिर उपभोग व्यय में जाएगा, कुछ बचा लिया जाएगा सेविंग में बचत में जाएगा। अब फिर जब उपभोग व्यय बढ़ेगा तो फिर से उत्पादक वर्ग सोचेगा कि अब और उत्पादन बढ़ाया जाए इस नई जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। तो ये जो सीक्वेंस है लगातार चलता रहेगा, ये कई राउंड्स तक चलता रहेगा, कई स्तरों तक
ये चीज चलती रहेगी, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एक बार बढ़ाया उसकी वजह से कई बार इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो कई बार इनकम बढ़ती जाएगी, फिर फाइनली जो आय के स्तर में काफी वृद्धि हो जाएगी। मतलब जितना शुरुआत में आरंभिक निवेश बढ़ाया 10,000 करोड़, उसके कई गुना निवेश बढ़ जाए, सॉरी आय बढ़ जाएगी। ठीक है, तो व्हाट वाज द अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम लेवल मोर देन दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी हैव टू इन्वेस्ट एवरी टाइम when income increases to fulfill the new demand, new consumption expenditure, we have to supply more goods, we have to plan higher level of output every time. Then every time when we invest more, our income will up. इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इनकम भी बढ़ती जाएगी, तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा, तो इसका मल्टीपल इफेक्ट दिखेगा, जितना हमने निवेश किया था उससे कई गुना ज्यादा आय में वृद्धि होगी, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, कई टाइम तक। एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, इनकम इंक्रीजेस व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इन द इंक्रीमेंट ऑफ दिस इनकम। इनकम तो बढ़ती है, आय बढ़ती है अगर निवेश बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एमपीसी क्या भूमिका है, ये आय कौन बता सकता है? बताओ जल्दी, कोई बता सकता हो? If MPC is more than the change in consumption will be more, then consumption expenditure will be more, then producer will have to supply more goods and services. If MPC is more then the change in income level will also be greater. The greater the value of MPC, the greater will be the change in level of income. Jitna jyada MPC ki value hogi, maan MPC ka jitna jyada hoga, utna jyada aay star mein bhi parivartan aayega. Theek hai, jyada agar MPC hai to matlab log jyada consumption demand karenge, jyada upbhog vyay karenge, तो ज्यादा हमें उत्पादन करना पड़ेगा, ज्यादा उत्पादन करेंगे ज्यादा आय बढ़ेगी। एंड इफ एमपीएस इज ग्रेटर मींस पीपल आर सेविंग मोर, देन वी विल सप्लाई लेस। इफ एमपीएस इज मोर देन सप्लाई विल बी लेस, सो इनकम जनरेशन विल बी लेस, द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम विल आल्सो बी लोअर। अगर एमपीएस ज्यादा है तो इसका मतलब लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं, बचत ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी कम करेंगे, सप्लाई कम करेंगे तो फिर हमें आय कम होगी, आय कम होगी तो आय के स्तर में परिवर्तन भी कम होगा। ठीक है, अब बताओ किसी को कुछ पूछना है, जिसको पूछना है पूछे। इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी ही और सी में ऑस। पूछो। नाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। Forward action means if we increase the investment, income will increase. Backward action means if we reduce the investment, means if we make more saving,
then income will go backward, this income will reduce. अगर हम निवेश में वृद्धि करेंगे तो आय में वृद्धि होगी, ये मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन या सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई, अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। और गुणक की प्रतिकूल प्रतिक्रिया में क्या होता है, अगर हमने हमारी आय में भी कमी आ जाएगी, यह प्रतिकूल प्रतिक्रिया है। इफ मल्टीप्लायर इज टू, मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर टू है, गुणक का मान दो है, then if we increase rupees 100, the change in the income will be 200 plus 200, 100 into 2 will be 200, means income will be increased by rupees 200. And if we remove or reduce the investment by rupees 100 and multiply it 2, then minus 100 into 2 equal to minus 200, means rupees 200. Income will be reduced by minus rupees 200. अगर हम 100 रुपए का निवेश बढ़ाते हैं और गुणक का मान 2 है, तो plus 100 multiply 2 करेंगे, धन में 100 और 2 से गुणा कर देंगे तो 200 प्लस हो जाएगी, मतलब आय में 200 की वृद्धि हो जाएगी। और प्रतिकूल क्रिया में क्या होगा, अगर हम 100 रुपए का निवेश कम कर देते हैं तो माइनस 100 यानी ऋण में 100 और गुणा 2, दो मल्टीप्लायर है गुणा है तो गुणा 2 से ही करेंगे, माइनस 200 आएगा, 200 रुपए की आय हमारी कम हो जाएगी। अब 2 मिनट बचे हैं, पूछे जिसको कुछ पूछना है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है? What is multiplier? Multiplier क्या है? K equal to delta y upon delta i। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट, delta y upon delta i। And what is the relation of MPC and multiplier? MPC and multiplier का relation क्या है? अभी हमने बताया positive relation है। If MPC is greater, there will be greater change in the income. So there will be greater ratio between delta y and delta i, means here the value of k will be greater. अगर MPC ज़्यादा है तो आय में ज़्यादा परिवर्तन होगा, ज़्यादा आय में परिवर्तन होने का मतलब है आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का मान ज़्यादा होगा, यानी k का मान ज़्यादा होगा, गुणक का मान ज़्यादा होगा। लेकिन वो कौन सा फार्मूला है हमको वो बताओ, अगर MPC से k का मान निकलना है तो कौन सा फार्मूला है, k इक्वल टू कैसे निकालेंगे? अगर MPC पता है हमें, डेल्टा वाई डेल्टा आई नहीं पता है। लास्ट क्वेश्चन कौन बता सकता है, हाउ वी कैन k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC? यस, एंड इफ वी डोंट नो MPC, वी नो ओनली MPS, देन व्हाट विल we do, what will be the formula? MPC हमें नहीं पता है, केवल MPS पता है, तब कैसे करेंगे? 1 upon 1 minus MPC, 1 minus MPC क्या होता है? What is equal to 1 minus MPC? एक में MPC घटाते हैं तो किसके बराबर होता है? MPS, तो we can बोलो then we can also calculate k by k equal to 1 upon MPS by this formula, k equal to 1 upon MPS, k बराबर 1 बटे MPS। इस फॉर्मूले से भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि MPS की जगह 1 माइनस MPC लिखते हैं तो भी वही वैल्यू आती है। ठीक है, चलो आप सब लोग एग्जिट करो, चलो We'll be right back.